Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हो. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनिक बॉन्ड, और उसमें हम लास्ट स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे लैटिस एनर्जी. आज हम उस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में सीखेंगे कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. सो लैटिस एनर्जी क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द गैशियस फेज. मीनिंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं गैशियस फेज में, उससे हमने एक मोल आयनिक सॉलिड बनाया, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, हमने उसको लैटिस एनर्जी कहा, राइट. और सिमिलरली अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड का एक मोल हो और उसको हम ब्रेक करें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में गैशियस फेज में, तो हमें जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी, राइट. दोनों केस में वैल्यू सेम, सिर्फ जब आयनिक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और जब उसको ब्रेक करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड. और लैटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर. क्यू वन क्यू टू क्या है? आयंस के ऊपर चार्जेस, एंड आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द आयंस व्हेन दे आर इन द सॉलिड फेज. सो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास सोडियम आयंस है, हमारे पास क्लोराइड आयंस है, दोनों गैशियस फेज में हम लेंगे. इनसे हम सोडियम क्लोराइड का सॉलिड आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, जो इस केस में कितनी होगी? 787 किलो जाउल पर मोल. तो लैटिस एनर्जी हर एक आयनिक कंपाउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी. और अगर हम देखें कि लिथियम हैलाइड से लेकर सीजियम हैलाइड तक में लैटिस एनर्जी को क्या होता है? डाउन द ग्रुप, ये क्योंकि हैलाइड आयन सेम है, सिर्फ केटायन को हम देख रहे हैं, तो केटायन के केस में क्या हो रहा है? केटायन के केस में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? ये लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है. सिमिलरली अगर बेरिलियम हैलाइड से बेरियम हैलाइड देख रहे, तो अगेन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रही है. और अगर हम इसको एनायन के केस में भी देंगे, हम लेंगे अल्कली मेटल के साथ हेलोजन के आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोराइड आयन से आयोडाइड आयन तक लैटिस एनर्जी अगेन डिक्रीज करेगी. सिमिलरली अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें, उनके साथ हेलोजन्स के आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? अगेन हम देखते हैं कि फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी. सबसे पहला साइज ऑफ द आयंस. जितना साइज आयन का छोटा होगा उतनी इंटर आयनिक इंटरेक्शंस इंक्रीज कर जाएंगी, जितनी वो ज्यादा होंगी उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा. सो दैट इज वाई वी कैन से कि सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दैन इन द KCl. चार्ज ऑन आयंस, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा, उतना इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होंगी और उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. सो वी कैन से कि जो आयनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द आयंस. और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ इन द नटशेल हम क्या कहते हैं कि जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा उतनी एनायन और केटायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा. सो अगर ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड्स तोड़ने मुश्किल, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे. जबकि अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे आयनिक कंपाउंड की, वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी, क्योंकि सॉल्युबल होने के लिए उसको आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना होगा आयंस में, और अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कम सॉल्युबल होगा. बट वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ दिस इन द coming up lecture.
So now whenever an ionic bond is going to be formed, वहाँ पे हमेशा energy decrease करेगी और यही हमारा cause of chemical combination भी है. तो cause of chemical combination क्या है कि हर system nature में क्या चाहता है, अपनी energy को decrease करना चाहता है क्योंकि decrease in energy is going to cause stability. तो अगर ionic bond की formation से energy decrease होगी तभी वो जो compound form हो रहा है that is going to be stable. तो इसको हम understand करते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन से. हमने पिछले लेक्चर में स्टेप सीखे थे कि एक आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. तो सोडियम अगर हमारे पास एक सॉलिड है, साथ में हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं और सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म करते हैं, उसमें जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है that is coming up to -410 kilojoule. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इसको फॉर्म करने में एनर्जी रिलीज हुई है. यहाँ से आप ये भी समझते हो ये लेवल जो है इंक्रीजिंग एनर्जी शो कर रहा है. तो यहाँ इस लेवल पे हमारे सोडियम और क्लोरीन है और यहाँ पे हमारा लोअर लेवल पे सोडियम क्लोराइड है, तो डेफिनेटली एनर्जी डिक्रीज हुई. बट जो स्टेप्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ दी स्टेप्स. सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें जो अपने एटम्स हैं वो किस फेज में चाहिए हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम. तो सोडियम सॉलिड है और एक एटम है, ठीक है. तो हमें इस सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, गैशियस एटम में. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेशन एनर्जी. तो यहाँ पे कितनी एनर्जी हमें चाहिए, 108.5 किलोजाउल एनर्जी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम सॉलिड टू स्ट्रोंबियम गैशियस फेज, ठीक है. नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं चाहिए है, हमें एटम्स चाहिए है. तो इसको एटम में चेंज करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी. उसकी वैल्यू कितनी है, 121.5 किलो जाऊ. नेक्स्ट अब हमारे पास ये दोनों गैशियस फेज में आ गए, तो अब हम सोडियम को आयन्स में कन्वर्ट करेंगे. एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो होगी 496 किलो जाऊल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया क्लोरीन. क्लोरीन से अब हमें क्लोराइड आयन फॉर्म करना है, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होगी विच इज -349 किलो जाउल पर मोल. एंड देन नेक्स्ट अब हमारे पास गैशियस फेज में आयन्स आ गए, ठीक है. और यहाँ से जब हम इसको सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करेंगे तो वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी नो एज लैटिस एनर्जी. और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर अब ये सारी वैल्यूज को हम टोटल करेंगे तो दिस विल कम अप टू -410 किलो जाउल पर मोल विच इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन. और अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो दिस इज फेवरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड. और नाउ आई होप इस सब से आपको क्या समझ में आया कि जब भी गैशियस आयन्स हम फॉर्म करते हैं एलिमेंट से तो देयर इज अ नेट इंक्रीज इन एनर्जी, मगर उसके बाद जब ये आयन्स कंडेंस करके सॉलिड को फॉर्म करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लैटिस एनर्जी. और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज है, दैट इज मोर देन द इंक्रीज विच वॉज देयर in the formation of the gaseous ions, the ionic compound can be formed from the elements. अब जो कैलकुलेशन है लैटिस एनर्जी की, जो कि आपने अब पिछली स्लाइड में सीखी, वो सारा एक साइकिल फॉर्म करता है और उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बॉन हेबर साइकिल. सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस क्विकली कि सोडियम सॉलिड सब्लिमेशन एनर्जी ऐड हुई और सोडियम गैशियस बन गया, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऐड हुई और हमारे पास एक सोडियम गैशियस आयन फॉर्म हो गया. और आगे इधर क्लोरीन मॉलिक्यूल था, हमें हाफ चाहिए, तो हाफ ऑफ द डिसोसिएशन एनर्जी विल गिव अस वन क्लोरीन एटम. रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल गिव अस क्लोराइड आयन इन द गैशियस फेज. दोनों के कंबाइन होने से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज लैटिस एनर्जी, और हमारे पास सॉलिड फॉर्म होगा. और यहाँ से यहाँ तक के टोटल से ये जो फॉर्म हुआ वो हमारा क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन. सो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है. डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू S, that is sublimation energy plus half of the dissociation energy, जो कि इस मॉलिक्यूल के लिए. तो एवरीवेयर आपको जो भी
कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको इक्वेशन को लिख के इस तरीके से उसको अप्लाई कर देना है. फाइन. नाउ अगर इनमें से आपको ये सिक्स वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी पांच नहीं हुए तो आप सिक्स्थ को कैलकुलेट कर सकोगे, जो कि हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी देखेंगे. और अगर हमारे जो लैटिस एनर्जी की वैल्यूज ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इंट्रायनिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगी. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और सोल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी. सो नेक्स्ट you have to calculate the enthalpy lattice enthalpy of lithium fluoride and you are going to be given the rest of the five values. theek hai, to hamare paas sublimation of lithium ki enthalpy change ki value hai, dissociation of half mole of fluorine, then ionization of lithium, electron gain enthalpy, delta h फॉर्मेशन, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है. आपको लैटिस एंथैल्पी ढूंढनी है. आई होप दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. आप उसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इसको पॉज करके, और फिर उसके बाद आप अपना आंसर चेक करेंगे. सो आप ये सब स्टेप्स देख सकते हैं. ठीक है, आई डोंट थिंक कि ये इसके लिए कुछ भी आपको डिफिकल्ट होगा. और आप इसके बाद फाइनल अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बॉर्नहेवर साइकिल का है, या इसको हम कहते हैं हेस लॉ ऑफ हीट समेशन आल्सो. और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, दैट इज गोइंग टू बी -101.6 किलो जाउल. ठीक है, आई होप सबका करेक्ट है. So that would be all for this lecture. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपने इस lecture को enjoy किया. तो अगर enjoy किया तो जल्दी से like पे click कर दीजिए, और साथ ही में अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो please इस channel को subscribe कीजिए और bell icon पे भी click कर दीजिए, so that कोई आपको notification मिल जाए जब भी हम आपके लिए एक नया lecture post करें, एक नया course post करें. कोई भी difficulty, most welcome, please mail us at h2ochemistry@gmail.com. comment section में भी उसको post कर सकते हैं. Next लेक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज ऑन हाइड्रेशन एनर्जी. और एक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करूंगी. क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स से फॉर्म होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो जब भी हम उनको पानी में डालते हैं, जैसे कि हमने कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला, तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जब पानी में डालते हैं वो आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एकदम से टूट जाते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी आंसर्ड इन दिस लेक्चर. टिल देन यू कैन थिंक अबाउट इट. सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे.